हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट्सअप चैटिंग में यूज़ होने वाले शॉर्ट वर्ड्स, जैसे कि अगर हम पूरा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते तो कैसे उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो शॉर्ट वर्ड्स क्या हैं। फर्स्ट वर्ड है यप। ये एक स्लैंग वर्ड है जो यस की जगह पर यूज़ किया जाता है। अगर आपको यस नहीं बोलना तो आप उसकी जगह पर यप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीएनडी। डीएनडी एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है डू नॉट डिस्टर्ब, यानी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो। अगर आपको ऐसा लिखना चाहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, तो उसकी जगह पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डीएनडी। नेक्स्ट है ट्रिपल जेड। जेड 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 ये बताता है कि आपको नींद आ रही है। जब आपको नींद आए या आप टायर्ड हों, थके हुए हों, तब आप इस तरह का वर्ड लिखकर सेंड कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपको नींद आ रही है, आप थके हुए हैं। नेक्स्ट है पीसीएम। पीसीएम मतलब प्लीज़ कॉल मी, यानी कृपया मुझे कॉल करो, कृपया मुझे फ़ोन करो। तो अगर आप इस तरह का कुछ बोलना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं पीसीएम। नेक्स्ट है एमएमबी। एमएमबी की फुल फॉर्म होती है मैसेज मी बैक, यानी मुझे वापस मैसेज करो। तो अगर आप किसी से ये बोलना चाहते हैं कि मुझे रिप्लाई कर देना या मुझे मैसेज कर देना वापस, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं एमएमबी। नेक्स्ट है CTN। CTN की फुल फॉर्म होती है कांट टॉक नाउ, यानी अभी मैं बात नहीं कर सकता या कर सकती। तो अगर आप इस तरह का कुछ बोलना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं CTN। शॉर्ट में CTN लिख सकते हैं और अगर लॉन्ग में लिखना है तो कांट टॉक नाउ। नेक्स्ट है EZ। EZ ईजी वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा बताना हो कि कुछ आसान या ईजी, तो आप EZ लिख सकते हैं शॉर्ट में। ईजी की शॉर्ट फॉर्म होती है EZ। नेक्स्ट है CUT। CUT सी यू टुमारो के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी को बोलना हो सी यू टुमारो, यानी कल मिलेंगे, तब आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CUT, यानी सी यू टुमारो। नेक्स्ट है टुमारो। ये टुमारो के लिए यूज़ किया जाता है। टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, तो ये टुमारो यानी टुमारो। नेक्स्ट है B4। ये बिफ़ोर के लिए यूज़ किया जाता है। बिफ़ोर मतलब पहले, B4, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप B और काउंटिंग वाला 4। नेक्स्ट है L8। इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसका साउंड निकलेगा लेट, तो ये लेट वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है L और काउंटिंग वाला 8। लेट का मतलब होता है देरी से या देर से। नेक्स्ट वर्ड है IDC। इसका फुल फॉर्म होता है आई डोंट केयर, यानी मैं परवाह नहीं करता या मैं परवाह नहीं करती। तो अगर आपको इस तरह का कुछ बोलना हो तो आप लिख सकते हैं IDC। नेक्स्ट है FC। F मतलब फिंगर और C मतलब क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड। तो अगर आपको फिंगर क्रॉस्ड लिखना हो तो उसकी जगह पर शॉर्ट में लिख सकते हैं FC। फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है जब आप ये आशा करें कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, जैसे आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो आप चाहते हो रिज़ल्ट अच्छा आए, यानी विश फॉर गुड लक, तब आप फिंगर क्रॉस्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है J/K। J का मतलब होता है जस्ट और K का मतलब होता है किडिंग। तो अगर आपको इस तरह बोलना हो जस्ट किडिंग, यानी मैं मजाक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं J/K। इसी तरह का एक और देखते हैं B/C। ये बिकॉज के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, या फिर इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं BCOZ, बिकॉज, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्योंकि यानी बिकॉज लिखना हो, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो अगर आपको बिकॉज लिखना हो तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है NOYB। इसका मतलब होता है नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आपको लिखना हो नन ऑफ योर बिजनेस, तो आप लिख सकते हैं NOYB। नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब होता है कि तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी तुम अपना काम करो, नन ऑफ योर बिजनेस। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं NOYB। नेक्स्ट है HF। HF का मतलब होता है हैव फन। तो अगर आपको किसी को लिखना हो हैव फन, यानी मज़े करो, मस्ती करो, तो लिख सकते हैं HF। इसी तरह का एक और देखते हैं TC। TC टेक केयर के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है BF। ये बॉयफ्रेंड के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको बेस्ट फ्रेंड लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं BF। नेक्स्ट है PPL। ये पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, पीपल मतलब लोग, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप PPL। अब कुछ काउंटिंग वाले कोड वर्ड्स देख लेते हैं।
जिनका इंग्लिश में मतलब होता है, इंग्लिश के वर्ड्स में मतलब होता है। जैसे कि फर्स्ट है 1-to-1, इसका मतलब होता है प्राइवेट चैट यानी पर्सनल चैट, पर्सनल बातें जो होती हैं, कन्वर्सेशन जो होती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1-to-1। तो अगर आपको किसी को बोलना हो प्राइवेट चैट तो आप उसकी जगह 1-to-1 बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1-4-3, ये 1-4-3 आई लव यू के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही फेमस है, मोस्टली लोगों को पता होता है। नेक्स्ट है 1-4-3-2, इसका मतलब होता है आई लव यू टू, ये आई लव यू का रिप्लाई में जैसे लोग बोलते हैं आई लव यू टू, तो उसका नंबर होता है 1-4-3-2। नेक्स्ट है आई हेट यू, इसका नंबर होता है 1-8-2। तो अगर आपको कोई 1-8-2 लिखकर भेजे तो आप समझिएगा उसने आई हेट यू बोला है, या अगर आप बोलना चाहते हैं किसी को आई हेट यू तो आप लिख सकते हैं 1-8-2। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है 10x, ये थैंक्स के लिए यूज़ किया जाता है, थैंक्स मतलब शुक्रिया। तो अगर आपको किसी को थैंक्स बोलना है तो आप लिख सकते हैं 10x। तो गाइज ये थे कुछ शॉर्ट वर्ड्स जो आप व्हाट्सएप की चैटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कहीं पर भी शॉर्ट चैटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू सून फॉर अनदर लेसन। Till then, take care, bye.